गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल डीआरएक्स मेड में। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाया हूँ, जो कि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इस मेडिसिन के बारे में, जो कि ये हमारा एक डस्टिंग पाउडर है। तो इसमें पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, ये किस पर्पज़ के लिए ये है, इसमें क्या कॉम्पोजिशन है, तो सब कुछ बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो बिगर बोर करें, आपको वीडियो में बने रहना है। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे न्यू वीडियो के लिए चैनल बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे अपडेट आपको मिलते रहे। तो बिगर बोर करें, मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो, ये है नियो स्पोरिन। जैसे आप ये नाम देख रहे हैं नियो स्पोरिन, जैसे यहाँ पर ये आप नाम देख रहे हो नियो स्पोरिन, ये हमारा नियोस्पोरिन एक डस्टिंग पाउडर है, जो कि हमारे ये GSK कंपनी की, जो कि ग्लेक्सो स्मिथ लाइन की है, उसकी कंपनी है। तो मैं इसमें आपको एक बार इसकी रेट बता देता हूँ, जैसे ये रेट कितने का है इसका। तो जैसे आप ये देख रहे हो, रेट आपको जैसे दिख रहा है, ये हमारा है 64 रुपीज़ 70 पैसे, और ये मैन्युफैक्चर हुई है मार्च 2019 में और एक्सपायर हो गई ये हमारा नवम्बर 2020 में। तो और ये ऑल टैक्स ऐसे, तो हम चलते हैं इसके बारे में, आप थोड़ा इसके बारे में पता कर लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसके अंदर क्या क्या ऐड है। ये हमारा 3 कॉम्बिनेशन के एंटीबायोटिक्स के मिलके बनी है, जो पहले हमारा नियोमाइसिन है, नियोमाइसिन सल्फेट है, फिर पॉलीमिक्सिम भी है सल्फेट है, और फिर क्या है बैक्टीरियासाइडल जिंक पाउडर है। तो इसमें हम 3 से मिलके ये हमारे बन रखी है डस्टिंग पाउडर। तो अब हम इसके बारे में पूरे अच्छे से बताते हैं। जो ये हमारा ये डस्टिंग पाउडर है, ये हमारे मोस्टली यूज़ करा जाता है किसके लिए, ये हमारे मोस्टली यूज़ करा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। ये हमारे एक्सटर्नल यूज़ के लिए लिखा है, जैसे लिखा है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। तो जैसे आप ये देख रहे हो वीडियो में, इसमें आपको दिख रहा होगा फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे यूज़ नहीं करना है। तो ये जो ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक डस्टिंग पाउडर है, जो कि ट्रीटमेंट क्या करता है, बैक्टीरिया स्किन इन्फेक्शन, जो भी हमारे स्किन पे बैक्टीरिया होता है उसको ट्रीट करते रहता है, मतलब उसको किल करता है और उसे मारता है, जिससे हमारे कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो। तो मैं अब आपको पूरे इसको अच्छे से बताता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। ये हमारे उस अप्लाई करा जाता है उस एरिया पर जहाँ पर बर्निंग हो गई हो, इरिटेशन आ रही हो, ईचिंग हो रही हो, रेडनेस प्रोवाइड हो रहा हो, तो वहाँ पर भी यूज़ करा जाता है ये हमारा नियोस्पोरिन, है ना। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि ये कहाँ पर, ये हमारा एक्सटर्नल यूज़ होता है ना, और ये जो मेडिसिन है कम से कम दिन में 2 बार यूज़ करते हैं, है ना, दिन में सुबह करो शाम को यूज़ करो। और तो और इसमें क्या नाम है, जो इसके अगर इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लेना, है ना। ये हमारा डस्टिंग पाउडर है ये इसमें, और हाँ, ये जैसे छोटे बच्चे की एंड छोटे बच्चे हो, बिल्कुल छोटे बच्चे, तो उसके लिए भी यूज़ करा जाता है। तो ये कहाँ पर, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे हो, जैसे 1 साल से भी छोटे हो, एक या 10 हफ्ते के हो, तो ये उनके जो नाभिनी नहीं है, तो वहाँ पर भी इसको क्या नाम है कॉटन पे लेके हल्का सा, और वहाँ पर बस लगाया जा रहा है। इसको रब नहीं करना इतना, क्योंकि ये रब नहीं करना इसको कि इतने लगा के कहीं भी रब कर दो, रब नहीं करना, कॉटन की सहायता से इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों, ये हमारी बैक्टीरिया को किल करने के लिए है, जो कि स्किन पे जो भी बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं उसको भी रोक देगा, और इसको किल करने के लिए। तो दोस्तों, अगर ये आपको इसके बारे में अगर नॉलेज मिल गई हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना। जैसे ये देख रहे हो 10 ग्राम की है।